हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या और इसमें 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, ये सभी निकाले कैसे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना लेंगे। ए बी सी, बी एट राइट एंगल, एंगल ए को हमको कितना लेना है 45 डिग्री। अब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री, तो तीसरा ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब देखिए, अगर एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट के साइड भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए के अपोजिट का साइड बी सी है और एंगल सी के अपोजिट का साइड ए बी है। तो अगर इफ टू एंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। तो ए के अपोजिट कौन सा हो जाएगा बी सी और एंगल सी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा ए बी। ए बी इक्वल है बी सी के, हम मान लेते हैं कि ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा, माना गया है सी। अगर ये ए है ये ए है तो ए सी कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ac की वैल्यू कितना आ जाएगी a रूट टू, ac आ गया हमारा a रूट टू। अगर हमें तीनों साइड पता है और हम साइन 45 डिग्री निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos 45 डिग्री निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan 45 डिग्री निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन ए रूट टू इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। इसी तरीके से कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस ए बी 1 अपॉन रूट टू और टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 एंड 30 डिग्री। अब हमें एंगल 60 एंड 30 डिग्री लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, उसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। सभी के सभी एंगल से कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ये भी 60 डिग्री का है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। चलिए ड्रा कर देते हैं ए से बी सी पे, क्या करेंगे एक ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अगर हम ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जहां आके मिलेगा उसका नाम डी कर देते हैं। अब दो ट्राइंगल बन गया है ए बी डी एंड ए सी डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी से। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा दिए, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए कॉमन हो गया ए डी और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का ए बी इस ट्राइंगल के ए सी से इक्वल हो गया। तो एक कॉमन, दूसरा ये साइड इक्वल टू ये साइड और तीसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो बाई साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से हम क्या कर दें, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, मतलब एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। कैसे, by CPCT से, corresponding part of corresponding triangle, क्योंकि दो triangle क्या है congruent है। अब ये इसके equal है तो ये पूरा 60 degree का था, अब ये 30 degree का हो गया और ये भी 30 degree का हो गया। अब मान लेते हैं हम, let us suppose कि AB कितना
ए बी टू ए है, अगर ए बी टू ए है हमने परपेंडिकुलर डाला था तो बी सी भी टू ए होगा, ए सी भी टू ए होगा। तो अगर ये टू ए है तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में ये टू ए है, ये ए है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए डी कितना हो जाएगा? तो ए डी हो जाएगा ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a है तो a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ad कितना आ जाएगा? a रूट 3। ad की वैल्यू कितनी आ गई? a रूट 3। ये ad कितना है यहां पर? ad यहां लिख देते हैं a रूट 3। अब ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी अगर साइन 60 डिग्री निकालना है तो साइन 60, कॉस 60, टेन 60। अब 30 डिग्री के लिए ये 30 है एंगल ए, तो साइन 30, कॉस 30, टेन 30 यहां से निकल जाएगा। तो निकालते हैं साइन 60। इस ट्राइंगल को आपको देखना ए बी डी, तो साइन 60 60 के लिए परपेंडिकुलर और बेस बी डी को ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर ए रूट 3 और बेस कितना है? ए। तो ए रूट 3 अपॉन ए, ए से ए राम राम सत्य, रूट 3, ठीक है। फिर कॉस 60 निकाल लेते हैं इसी तरीके से, कॉस 60, तो कॉस 60 बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन 2a, तो a अपॉन 2a इक्वल टू 1/2। फिर tan 60 निकाल लेते हैं, tan 60, तो tan 60 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस a रूट 3 अपॉन a इक्वल टू रूट 3। अब देखिए अगर साइन है तो कॉसेक भी निकाल सकते हैं, कॉसेक 60, कॉसेक 60 कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2a अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? a रूट 3, कितना आ गया? 2 बाई रूट 3। उसी तरीके से sec 60, sec 60 हाइपोटेनियस अपॉन बेस 2a अपॉन a, a से a राम राम सत्य, 2। उसी तरीके से cot 60, cos 60 बेस बाय परपेंडिकुलर, तो a अपॉन a रूट 3, तो ए से राम राम सत्य, 1/√3। अब जिस तरीके से हमने 60 डिग्री के लिए निकाला है उसी तरीके से 30 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं एंगल ए को लेकर। तो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये, कॉस 30 के लिए बेस ये, हाइपोटेनियस ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। अभी तक एंगल जो हम 30, 45, 60 डिग्री ले रहे थे, अब वो एंगल हमें 0 डिग्री लेना है। ध्यान दीजिएगा एक ट्राइंगल ए बी सी है, अभी तक एंगल हम 45 ले रहे थे, 60 ले रहे, 30 ले रहे थे, लेकिन अब हमें एंगल ए 0 लेना है। अगर हमको एंगल ए 0 लेना है तो एंगल ए को घटाना पड़ेगा। देखिए अगर एंगल ए को घटाएंगे तो बी सी क्या होगा? डिक्रीज होगा, बी सी डिक्रीज होगा। फिर से हम एंगल ए को घटाएंगे तो एंगल ए देखिए यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन बी सी एकदम डिक्रीज हो गया, बी सी भी कितना हो गया? 0 हो गया। बी सी भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब एंगल ए तो 0 है, अब देखिए साइन 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जाएगा बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी। एक बार ध्यान दीजिएगा हाइपोटेनियस ए सी था ना, वो ए बी पे क्या गया? पूरी से पूरी कॉन्साइड कर गया, उसके ऊपर चढ़ गया, ए बी के इक्वल हो गया, और बी सी घट कर कितना हो गया? 0 हो गया। तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर से उसी तरीके से कॉस 0, कॉस 0 देखेंगे, कॉस 0 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो ए बी है ही और हाइपोटेनियस ए सी। अब देखिए बेस और हाइपोटेनियस भी आके ए बी के ऊपर कॉन्सेप्ट कर गया और ए बी के इक्वल हो गया, तो बेस ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू
वन और साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो। इसी प्रकार 90 के लिए देखते हैं कि अब हमें एंगल ए 90 डिग्री चाहिए। अब हमको अगर एंगल ए को बढ़ाना है तो ए को बी के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए बी के पास ले जाएंगे तभी एंगल ए बढ़ेगा, और जब एंगल ए बढ़ेगा तो ए बी डिक्रीज होगा। जब एकदम डिक्रीज कर देंगे जीरो तक लेके जाएंगे तब उसके बाद हमारा क्या होगा, एंगल ए जीरो हो जाएगा, ए बी एकदम डिक्रीज हो जाएगा और एंगल ए 90 डिग्री का हो जाएगा। तब जाके एंगल ए कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और अगर एंगल ए, देखिए अब 90 डिग्री का हो गया एंगल ए, अब एंगल ए साइन 90, अब साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से बीसी अपॉन एसी, तो बीसी तो है लेकिन एसी बीसी बन गया है, एसी का ए बी इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया कि एसी अब बीसी बन गया, तो बीसी और एसी भी बीसी बन गया अपॉन बीसी इक्वल टू 1। तो साइन 90 डिग्री 1, अब देखते हैं कॉस 90, तो कॉस 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या था ए बी और हाइपोटेनियस एसी, तो बेस ए बी था जो अब डिक्रीज होके बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो ए बी अपॉन 0 अपॉन एसी इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos 90 समझ में आ गया। अब हम इस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टेबल में पुट अप करेंगे और टेबल बनाकर देखेंगे। आइए अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टेबल में पुट अप करते हैं। ऊपर डिग्री दिखा रहा है और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sin a, a का मतलब एंगल, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 145 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना निकाल लेते हैं √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकाले थे 1, √3/2, 1/√2, ठीक है 1/2, 0, 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और tan 90 डिग्री की वैल्यू not defined. cosec 0 degree की value not defined, cosec 30 degree की value 2, cosec 45 degree की value √2, cosec 60 degree की value 2/√3, और cosec 90 degree की value 1, sec 0 की value 1, sec 30 degree की value 2/√3, sec 45 degree की value √2, और sec 60 degree की value 2, और sec 90 degree की value not defined। अब आते हैं cot 0 degree की value not defined, cot 30 degree की value √3, cot 45 degree की value 1, cot 60 degree value 1/√3, और cot 90 degree की value 0। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप देख रहे होंगे साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन कॉस की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ घट रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।